शिवसेना सांसद संजय राउत और भाजपा विधायक आशीष शेलार के बीच मुलाकात होने की खबर सामने आई है। मुंबई के नरीमन पॉइंट में दोनों की मुलाकात हुई है। इन दोनों के बीच आधा घंटा चर्चा होने की खबर है। एन मानसून अधिवेशन से पहले गुप्त बैठकों का सिलसिला एकाएक बढ़ गया है और महाराष्ट्र की राजनीतिक तापमान का पारा चढ़ गया है। इंतजार लोगों को कोई बहुत बड़ी खबर सामने आने का है। कोविड 19 महामारी से संबंधित एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक के अनुसार अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी वृद्धि के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों के आधे मामले देखने को मिल सकते हैं। कोविड 19 के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वायरस का स्वरूप बदल रहा है, दिल्ली में शून्य के जादुई आंकड़े पर पहुंचने की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में कोरोना वायरस स्थानीय महामारी में बदल जाएगा। लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही रहना सीखना होगा और इसकी रोकथाम के उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। शून्य एक ऐसा असंभव आंकड़ा है, वायरस का स्वरूप बदल रहा है और भविष्य में इसके व्यवहार का अनुमान लगाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश जल से जल हर घर जल पहुंचाने की है। इसके लिए जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना के तहत कराए जा रहे काम की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। योगी ने सभी काम समय से पूरे कर कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण में किसी भी टेंडर में खेल नहीं हो सकेगा। इसकी वजह यह है कि अब टेंडर प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया। यह कदम वीसी अभिषेक प्रकाश की ओर से उठाया गया है। नए आदेशों में एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव राय द्वारा गठित कमेटी की संतुष्टियों के आधार पर आगामी और प्रक्रियार्थ टेंडरों को पूरा कराया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि अब निविदाओं का टेक्निकी चयन सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। साइबर ठगी के शिकार लोगों को उनका पैसा वापस मिलने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 की मदद से पिछले 3 महीने में 3.13 करोड़ रुपए ठगी के शिकार लोगों को वापस कराए जा चुके हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 1 अप्रैल को 7 राज्यों में सॉफ्ट लॉन्च किया गया था और 16 जून को पूरे देश के लिए इसे खोल दिया गया था। अभी तक 15 राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों में यह हेल्पलाइन नंबर काम करने लगा है। अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने के लिए बातचीत चल रही है। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां भीषण गर्मी पड़ती है, मगर इनमें से कुछ शहरों में गर्मी का पारा इंसान की सहन शक्ति से आगे निकल गया। सबसे पहला नाम पाकिस्तान के जैकबाबाद का आता है। ये शहर इस समय दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार है। पारा 52 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। सड़कें सुनसान हैं, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत संयुक्त सैन्य कमान के गठन की तैयारी चल रही है। इस बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत के एक बयान पर विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने वायुसेना को बस एक सपोर्टिंग आर्म बताया है, जैसे तोपखाने सेना में लड़ाकू हथियार के लिए सपोर्ट करते हैं। और अब इस मामले में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि वो सीडीएस के बयान से सहमत नहीं है। वायुसेना देश की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। लखनऊ कानपुर रोड स्थित घनी आबादी वाली विष्णु कॉलोनी सालों पुरानी है। इसके बाद भी यहां अभी तक प्रॉपर सीवेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसके लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से कई बार नगर निगम से इसे लेकर मांग की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिम्मेदारों को तत्काल इस तरफ ध्यान देने की जरूरत। लंबे समय तक एक दूसरे के बेहद करीब रहे देश के प्रतिष्ठित गांधी, नेहरू और बच्चन परिवार में आई खटास को लेकर यूं तो कई प्रकार के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक में बड़ा खुलासा किया गया। पुस्तक में दावा किया गया, एक छोटी सी घटना ने उनके रिश्तों में तलखी की ऐसी कील ठोकी कि दोनों परिवारों के दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद हो गए। वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व सांसद संतोष भारतीय की नई किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में दावा किया गया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पढ़ाई के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन से शुल्क का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इसमें आनाकानी की। सोनिया गांधी इस घटना को कभी भूल नहीं पाई और उन्होंने इसे अपना अपमान मान अमिताभ बच्चन को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया।
लखनऊ विकास प्राधिकरण अब शहर के सभी वैध और अवैध कॉलोनियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग को भी कॉलोनियों की लिस्ट दी जाएगी। LDA के इस कदम से खरीदार भी ठगी से बच सकेंगे, साथ ही ऐसी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई भी हो सकेगी। IIT दिल्ली के महिला वैज्ञानिकों की एक टीम ने आंखों में फंगल संक्रमण केराटाइटिस के लिए एक खास दवा तैयार करी है। आंखों का यह संक्रमण ज्यादातर लोगों के खेतों में काम करते वक्त होता है। नई दवा पेप्टाइड आधारित नेटामाइसिन पेनेट्रेशन उपचार विधि में इस्तेमाल होगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में आज सुबह ग्वालियर बरेली हाईवे पर NCC कैडेट्स को लेकर जा रही रोडवेज बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 19 NCC कैडेट्स घायल हो गए, इसकी 6 की हालत गंभीर है। इसे सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कानपुर में दो वाहनों की आपस में भीषण टक्कर, दोनों गाड़ियों से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को घाटमपुर CSC भेजा, प्राथमिक उपचार के बाद हेलेट किया रेफर। घाटमपुर थाना क्षेत्र के रूपनगर की घटना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेज के 3 शिक्षकों ने कुलपति के दफ्तर में जबरन घुसकर जमकर हंगामा किया। कुल सचिव विशेश्वर प्रसाद ने संबंधित विश्वविद्यालय के प्रचारों को हंगामा करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। UP के मेरठ में सुसाइड वीडियो बनाकर युवक ने दी जान, पत्नी ससुराल वालों से तंग आकर जान दी। वीडियो में बताया कैसे हुई मृतक की प्रताड़ना, थाने में तहरीर दी गई, पुलिस कर रही है जांच। TP नगर थाना के मलियाना की घटना। लखनऊ में मणियाओं के ढेला स्थित गोमती नदी में 6 किशोर कल दोपहर नहाने गए थे, जिसमें से 3 किशोर डूब गए। दोस्तों के शोर मचाने पर मोहल्लों ने 2 लड़कों को डूबने से बचा लिया, जबकि सैफ 13 वर्षीय की डूबने से मौत हो गई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ होने वाली सीरीज के लिए अपनी वही वनडे टीम बरकरार रखी है जो श्रीलंका के खिलाफ खेल रही थी। इंग्लैंड ने चोट के स्वस्थ हो चुके बेन स्टॉक को शामिल नहीं किया है। स्टॉक को IPL 2021 के दौरान चोट लगी थी, इसके बाद से वह राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं। लखनऊ में कुछ स्थानों पर बिजली सप्लाई आज रहेगी बाधित, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी बिजली। अनुरक्षक कार्य में चलते पार्क रोड चिड़ियाघर के आसपास बिजली रहेगी प्रभावित। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर स्कॉर्पियो और मैजिक में जबरदस्त टक्कर, दुर्घटना में 19 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, एक की मौत। वाराणसी की तरफ से आ रही थी दोनों गाड़ियां। उत्तर प्रदेश में पंचायत अध्यक्ष चुनाव में दमदार जीत के बाद BJP के लिए दोहरी खुशखबरी, अब बिना चुनाव के ही विधान परिषद में उसे मिलेंगी और 4 सीटें। 5 जुलाई को विधान परिषद के 4 विधायकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यह चारों विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। इनकी जगह अब भाजपा के द्वारा चुना गया व्यक्ति विधान परिषद में विधायक बनेगा। इन चारों सीटों पर चयन के लिए कोई चुनाव नहीं होगा। ये चारों सीटें मनोनीत क्षेत्र की हैं। यानी भाजपा सरकार जिन 4 व्यक्तियों को मनोनीत करके राज्यपाल के पास भेजेगी, वही सदन पहुंचेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को समन जारी किया है। उन्हें मंगलवार को ED के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत देशमुख को भी ताजा समन जारी किया है। उन्हें 5 जुलाई यानी सोमवार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर के पद छोड़ने के कुछ दिनों बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने कहा कि कंपनी इस रोल के लिए एक कार्यकारी नियुक्त करने के अपने अंतिम चरण में है। तेल कंपनियों ने आज फिर से आम आदमी को झटका दिया है। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 18 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। अगर वे आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चैलेंज दे रहे हैं तो BJP कार्यकर्ता इसे स्वीकार करेंगे। BJP उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो BJP की बाछें खिल उठी। प्रदेश की 75 में से BJP को 67 सीटें मिली, वहीं विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत की सीट पर जो किसान नेता राकेश टिकत और नरेश टिकत का गढ़ माना जाता है, दोनों ही पिछले साल से देश भर में किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, यहां भी BJP ने जीत का झंडा फहरा दिया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बड़ा कदम उठाते हुए जल्द ही लोकसभा में पार्टी की नेता का बदलाव करने जा रही हैं। वह अधीर रंजन चौधरी को पद से हटाकर किसी दूसरे नेता को लोकसभा में पार्टी के नेता की बागडोर सौंप सकती हैं। चौधरी को हटाने के कदम को कांग्रेस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के साथ तालमेल बनाने और BJP के खिलाफ अभियान का समन्वय करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। UP के पूर्व CM कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में भर्ती। उनके शरीर में सूजन है और बेचैनी है।
भारत में कोविड 19 के 43,071 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,05,45,433 हुई। 955 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,02,005 हो गई है। 52,299 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,96,58,078 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अभी भी 4,85,350 है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।